आई एम ऑलमोस्ट डेड। अगर उस दिन मेरा दोस्त नहीं होता तो शायद मैं आज इधर नहीं होता। What's up everyone? Welcome back to Suffer Wing. मैं हूं सोमिक। Now let's roll the intro. तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी बचपन की कहानी, जहाँ पर आई एक्सपीरियंस नियर टू डेथ। तो ये बात है जब मैं क्लास 3 में पढ़ता था। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त, मैं, रवि, अनमोल, आयशा, रूही और लक्ष्मी, तो देखो मैं यूट्यूब पर तो इन लोगों का असली नाम नहीं ले सकता, इसलिए इस वीडियो के लिए मैं यही नाम यूज करूंगा। तो हम लोग मिलकर लुका छुपी खेल रहे थे हमारे मोहल्ले के एक नए घर में जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। सो तुम लोग जानते होगे कि नया घर पर सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, एज इट इज वहाँ पर भी वही था। तो हम लोगों ने खेलना शुरू किया और हम लोगों में से आउट हुआ रवि। तो रवि ने काउंटिंग स्टार्ट की और हम लोग इधर उधर भाग गए छुपने के लिए। कुछ लोग चले गए सेकंड फ्लोर पे, कुछ लोग गए बाहर और मैं था नीचे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर। और हाँ, एक और बात, वहाँ पर कुछ राजमिस्त्री काम कर रहे थे क्योंकि नया घर बन रहा था। तो हम लोगों का एक रूल था कि जो चोर बना है वो काउंटिंग खत्म होने के बाद एक आवाज दे के गेम स्टार्ट करेगा। तो मैंने सुना कि रवि ने वो आवाज दी और उसने ढूंढना शुरू किया। करीब 2 मिनट बाद मैंने देखा कि रवि नीचे हमें ढूंढते हुए आ रहा है और उस घर की उल्टी दिशा में एक दरवाजा था। मैं उस तरफ जाने लगा और उस दरवाजे के उस तरफ लक्ष्मी छुपी हुई थी। तो मैंने उसे बोला कि दरवाजा लगाना मत, मैं आ रहा हूँ। बिकॉज वो ग्राउंड फ्लोर पर दिन के वक्त भी बहुत ज्यादा अंधेरा रहता था, इसलिए मैंने लक्ष्मी को बोला कि तू दरवाजा खुला रख क्योंकि अंधेरे में मुझे कुछ दिख नहीं रहा। एंड शायद से उसने वो बात सुनी नहीं और उसने दरवाजा बंद कर दिया। और जैसे ही मैं सामने बढ़ा, अचानक से मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं पानी में आ गिरा। अब सुनो, जहाँ पर नया घर बन रहा होता है वहाँ पर पानी की बहुत जरूरत होती है, इसलिए घर के अंदर एक अंडरग्राउंड टंकी बनाई जाती है जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है। और वो टंकी करीब 8 फीट या फिर उससे ज्यादा गहरी थी। एंड मैं छोटा बच्चा उस पानी से भरे हुए टंकी में गिर गया। एंड मुझे बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती थी और मैं जैसे तैसे पानी के ऊपर आया, क्योंकि उस टंकी के जस्ट सामने एक दरवाजा था, वहाँ पर थोड़ी बहुत जगह बनी हुई थी। मैंने जैसे तैसे करके अपने दोनों हाथों से उस जगह को पकड़ा, बहुत जोरों से आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लकीली दरवाजे के उस तरफ लक्ष्मी थी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला और देखा कि मैं पानी में गिर गया हूँ, लक्ष्मी ने तुरंत सबको चीख कर बुलाया। थोड़ी देर बाद ही सब आ गए और रवि ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर ऊपर उठाने की कोशिश में लग गया। क्या करें, ये तो सब बच्चे ही ना। रवि ने बहुत जोर लगाया लेकिन उठा नहीं पाया। एंड तभी अनमोल ये सब देख के भाग गया। थोड़ी देर बाद ही उसने एक राजमिस्त्री को बुला कर लाया जो वहाँ पर काम कर रहे थे। तब जाके मैं पानी से बाहर आया। इसलिए जब मैं पानी में गिरा था तब डर के मारे बहुत छटपटा रहा था, इसलिए मेरे हाथ पाँव पर बहुत जगह कट गया था एंड इसलिए थोड़ा बहुत खून बह रहा था। अब मेरे दोस्तों ने मुझे जैसे तैसे घर की ओर ले जाना स्टार्ट किया और मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। बिकॉज मेरे पापा को अगर ये बात पता चली कि मैं टंकी में गिर गया था तो वो बहुत पीटेंगे। इसलिए मैंने सबको बोला कि मेरे घर पर बोलना कि मैं कीचड़ में गिर गया था, इसलिए यह हालत हुई है। लेकिन लक्ष्मी ने फिर से ये बात नहीं सुनी और वो मेरे घर सबसे आगे पहुंचकर मेरी दादी को बोल दिया कि मैं पानी में डूब गया था। और बस मेरी मम्मी दादी ने मुझे घर पे ले आके बहुत डांटा और मुझे नहाने के लिए ले गए क्योंकि मैं पूरा भीग चुका था। और पापा ने जब ये बात सुनी तब जो मार पड़ी ये पूछो ही मत। एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर तुम लोग कभी भी कहीं पर भी खेलने जाओ तो सावधानी जरूर बरतना, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर उस दिन मेरा दोस्त अनमोल नहीं होता तो मैं आज शायद इधर नहीं होता। If you enjoyed the video, make sure to subscribe my channel और like, share, comment तो जरूर करना। And मिलते हैं किसी दूसरी video में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।